हेलो बच्चों, तो आज भी वीडियो में एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, जल्दी ही मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आज लास्ट लेक्चर था, मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे हम लोगों ने। आज मैं आपको बताता हूँ सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला, अब पहले इसका मीनिंग क्या होता है। सेक्शन फार्मूला का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने को पता है, मीन्स या फिर ये बोल सकते हैं कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो है ये ए बी, जो ए और बी पॉइंट को मैं ज्वाइन कराता है, और एक पॉइंट है सी जो ये लाइन ए बी लाइन को किसी रेशियो में, किसी अनुपात एम इज़ टू एन में डिवाइड कर रहा है। मीन्स ए सी का वैल्यू अगर एम है तो सी बी एन है। याद रखिए ये अनुपात है, इसका लेंथ नहीं है, ए सी का एम और सी बी का एन। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, दो टाइप का डिवीजन होता है। वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही होता है डिवीजन, लेकिन वैसे दो टाइप का होता है। पहला होता है इंटरनल डिवीजन, ठीक है, तो मैं पहला लिख रहा हूँ इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन होता है कि सी पॉइंट जो है वो ए और बी के बीच में ही है, मतलब ये जो मैंने लिखा है ये इंटरनल डिवीजन ही है। तो इंटरनल डिवीजन में क्या हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंटरनल डिवीजन में यही चीज़ को चलो उठा के मैं रख देता हूँ नीचे, एक मिनट। इंटरनल डिवीजन में क्या हो जाता है कि वही सी पॉइंट उन दोनों के बीच में रह जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो सी का कोऑर्डिनेट हो जाता है, सी का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स का वैल्यू होता है एम इंटू एक्स टू। ध्यान से देखना, मतलब इधर एम है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा एक्स टू से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और वाई का वैल्यू होता है एम वाई टू, वही चीज़ बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा ही, प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ठीक है। ये उसका वैल्यू हो जाता है, किसका किसका, एक्स और वाई का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये आया कैसे से, कैसे हम लोग वो देखते हैं। तो वापस से हम लोग इसमें ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सेस जो होता है रेक्टेंगुलर एक्सेस वही ले लेते हैं, और दो पॉइंट मैं ऐसे ले लेता हूँ ए और बी, इधर ए है और ऊपर बी है, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ए बी को ज्वाइन किया है, और एक पॉइंट सी है जो इसे एम इज़ टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मीन्स ये लेंथ अगर ये एम है और ये एन है, रेशियो है वो एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन और बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, ठीक है। अपने को अब सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं सी को अज्यूम कर लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, वही तो एक्स वाई आया था, तो मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू अब एक्स वन एक्स टू और वाई वन वाई टू के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर। एक बात बताइए, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन है, मतलब कि वो यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या हो गया, एक्स वन, वही तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, और यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या हो गया, एक्स टू, एक्स हो गया, है ना, एक्स हो गया। तो अगर मैं इसको कुछ कुछ नाम दे दूँ, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ एल एम और एन, ऐसे मैंने दे दिया, पहले एल एम ले लिया, बीच वाला एन ले लिया क्योंकि वो तो लास्ट में आता है ना सी, इसीलिए और कुछ नहीं। तो अब आपसे अगर मैं बोलूँ कि बताओ एल एन का लेंथ क्या होगा, तो एल एन का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर ओ एन से ओ एल सब्ट्रैक्ट कर दें तो एल एन ही तो आएगा। तो ओ एन कितना था, एक्स था, ओ एल कितना है, एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ओ एम कितना है, ओ एम है एक्स टू, ठीक है, और ओ एल कितना है, ओ
ओ एन, ओ एन कितना है एक्स, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स, है कि नहीं। एन एम का लेंथ क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स। वैसे ही हम लोग यहां भी ड्रॉ करते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब एक बात बताइए, इसको भी कुछ नाम दे देता हूं मैं, एच के एल एम एन, इसको एच बोल देता हूं, इसको के बोल देता हूं। तो सी एच का लेंथ क्या होगा, वैसे ही अगर यहां आप देखो ध्यान से, तो ये पूरा लेंथ कितना है वाई है, और यहां से यहां तक का लेंथ क्या है वाई वन है, तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन हो जाएगा, ठीक है। और बी के का लेंथ क्या हो जाएगा, वैसे ही वाई टू माइनस वाई हो जाएगा। तो ये पूरा डायग्राम यहां पे बन चुका है। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल बी के सी एंड ट्राइंगल सी एच ए, बी के सी और सी एच ए में, ध्यान से देखना, एंगल बी के सी इक्वल्स टू एंगल सी एच ए, कितना है वो 90 डिग्री, वो कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है ना, सारे जो भी होते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस, सब क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक्स है ये वाई है। वैसे ही एंगल बी सी के इक्वल टू कितना एंगल सी ए एच, आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो अब देखो ध्यान से ये कैसे आया, तो सी के इज पैरेलल टू ए एच, है कि नहीं। वापस से एक्स एक्सिस के जो भी पैरेलल लाइंस होंगे सब आपस में भी पैरेलल होंगे, और साथ में एंड सी ए, सी ए इज अ ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन है, उसको एक लाइन कट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सी ए क्या है ट्रांसवर्सल है। तो अब दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो बाय ए ए ट्राइंगल बी के सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एच ए, बी के सी इज सिमिलर टू सी एच ए, है ना, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल था, सिमिलर है तो क्या हो जाएगा सारे पार्ट्स प्रोपोर्शनल होंगे, सारे साइड्स एंगल तो वैसे भी इक्वल था, तो क्या हो जाएगा बी के बाय सी एच इक्वल्स टू के सी बाय एच ए इक्वल्स टू बी सी बाय सी ए। अब बी के कितना है वाई टू माइनस वाई, सी एच कितना है वाई माइनस वाई वन, के सी कितना है के सी का लेंथ, के सी का लेंथ जो होगा क्या वो एम एन के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, तो के सी का लेंथ में क्या एक्स टू माइनस एक्स ले लेता हूँ, और एच ए, एच ए का लेंथ भी क्या हो जाएगा एन एल के इक्वल, वो कितना है एक्स माइनस एक्स वन। बी सी का लेंथ, और बी सी और सी ए का लेंथ तो नहीं है पता, लेकिन रेशियो पता है, रेशियो पता है कितना बी सी बाय सी ए क्या है एन बाय एम है, उल्टा हो गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब वाई टू माइनस वाई बाय वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एन बाय एम, और एक्स टू माइनस एक्स बाय एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एन बाय एम, और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एम वाई टू माइनस एम वाई इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन, और एम एक्स टू माइनस एम एक्स इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। अब अपने को वाई का वैल्यू चाहिए, तो वाई को एक तरफ कर लो, तो माइनस एम वाई माइनस एन वाई इक्वल टू माइनस एन वाई वन माइनस एम वाई टू, माइनस माइनस दोनों तरफ से हटा दो, और वाई कॉमन भी ले लो, तो एम प्लस एन इंटू वाई हो जाएगा, और माइनस हटा दिया तो क्या हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ये वाई आ चुका है। वैसे ही इसको भी सॉल्व करो, एम एन को एक तरफ ले लेता हूँ, तो एम प्लस एन इंटू एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, सो एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो आपने देखा मैंने फाइंड किया, और ये आपको याद भी रखना है कि किसी भी दो एक लाइन को, मतलब दो पॉइंट को बीच में कोई पॉइंट अगर किसी रेशियो एम इज टू एन में डिवाइड करना है, कर रहा है, ये एक्स वन वाई वन है ये एक्स टू वाई टू है, तो बिना कुछ सोचे क्या लिख दोगे आप इसका कोऑर्डिनेट, बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, और एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन,
बहुत बार देख लिया हमने, अब इस चीज को आप याद रखो, ठीक है। अब यही देख के आपके दिमाग में ये मैंने बोला, ये आपको बीच में आ सकता है दिमाग में कि सर अगर वो मिड पॉइंट हुआ तो क्या होगा, मतलब कि मैंने बोला कि ए बी का जो मिड पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो एक पॉइंट है सी जो कि मिड पॉइंट है, मतलब ए सी और बी सी का लेंथ इक्वल है, तो अगर इन दोनों का लेंथ इक्वल है तो मतलब रेशियो क्या है, 1:1 है, लेंथ इक्वल है मतलब रेशियो क्या है, 1:1 है। अब अगर सी का कोऑर्डिनेट मैं बोलूं कि x, y है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × x2 होगा ना, 1 × x2, x2 होगा 1 × x1, x1 होगा बाय 2, और y क्या हो जाएगा, 1 × y2 प्लस 1 × y1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि मैं यहां पे सीधे लिख सकता हूं कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी आर क्या, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, ये उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। ये हो गया आपको इंटरनल डिवीजन, मतलब अंदर एक पॉइंट हो तो। अब इतना देख लिया तो साथ ही एक्सटर्नल डिवीजन भी देख लेते हैं क्या होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड्स के सिलेबस में, लेकिन जानना चाहिए हम लोगों को, कई जगह पे ये काम आता है। अब एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, देखो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है कि अगर मान लो ऐसे ए बी एक लाइन है, ये ए ये बी, अब एक पॉइंट सी है जो ए बी के बाहर है, ऐसे भी तो हो सकता है जो ए बी के बाहर है, और फिर सी पॉइंट ए बी लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड करती है, ऐसा भी। अब आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये सी पॉइंट जो है वो ए बी को, मतलब सी ए इज टू सी बी अगर m:n है, ठीक है, मतलब ऐसे लिखा हुआ सी ए इज टू सी बी इक्वल्स टू m:n, मतलब कि पूरे का लेंथ अगर m है तो c, मतलब सी से दोनों पॉइंट्स की दूरी का रेशियो m:n है, मतलब हुआ कि सी अब ए बी लाइन को एक्सटर्नली m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 होता और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 होता और सी का कोऑर्डिनेट x y होता, तो x का वैल्यू अब कुछ ज्यादा आपको सोचना नहीं है, वही होगा m:x2 और n:x1 और mn होने वाला है, बस वहां पे बीच में प्लस होता था, यहां बीच में माइनस हो जाएगा और कोई अंतर नहीं है। अगर इंटरनली है तो बीच में आप प्लस रखो, एक्सटर्नली है तो बीच में माइनस कर दो, और वाई क्या हो जाएगा, m y2 - n y1 डिवाइडेड बाय m - n, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा अगर पॉइंट सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो। अब इसको प्रूव करना है तो मैं आपको यहां पे प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल सेम ही होगा, आपको कोई अंतर नहीं करना है, जैसे मैंने ऊपर यहां पे प्रूव किया है यही सेम लाइंस ले लेना है, सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है और फिर आपका आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई बात, आगे बढ़ते हैं, अब एक दो एग्जांपल करते हैं इस पे बेस्ड। पहला एग्जांपल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 6,3 एंड -4,5 इन द रेशियो 3:2, पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों अगर डिवाइड करते हैं, दोनों अलग अलग से अपने को फाइंड करना है। तो पहला हम लोग ट्राई करेंगे सबसे पहले डायग्राम बनाने का, 6,3 एक पॉइंट है और दूसरा -4,5 दूसरा पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक थर्ड पॉइंट है,
अगर मान लो इसे मैं ए बोल देता हूँ, इसे बी बोल देता हूँ, एक थर्ड पॉइंट है, कुछ भी मान लेते हैं, सी मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, पी मान लिया मैंने, और मैंने बोल दिया इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अब थ्री पहला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, इंटरनली कर रहे हैं, पहला हम लोग इंटरनली कर रहे हैं, तो आपको ही पता है एक्स इक्वल टू क्या लिखूं, थ्री इंटू माइनस फोर प्लस टू इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री प्लस टू, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री इंटू फाइव प्लस टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय फाइव, और वाई क्या हो जाएगा फिफ्टीन प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव, तो ये तो जीरो हो गया, ये कितना हो गया ट्वेंटी वन बाय फाइव, मतलब कि जो इंटरनली डिवाइड करेगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, जीरो कॉमा ट्वेंटी वन बाय फाइव, ठीक है, ये हो गया बेसिक इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन देखते हैं दूसरा, अगर एक्सटर्नल डिवीजन का आपको फाइंड करना है तो मैंने ये बोल दिया ए पॉइंट है कौन सा था सिक्स कॉमा थ्री, और बी पॉइंट था माइनस फोर कॉमा फाइव, और तीसरा पॉइंट एक्सटर्नली उसी लाइन में कहीं दूर होगा, मतलब ए बी के बीच में नहीं होगा, वो उसे डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, थ्री इज टू टू रेशियो में, मतलब ये पूरा अगर थ्री है तो ये टू है, ठीक है, तो अब एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा, वही वही फॉर्मूला होगा, थ्री इंटू एम इंटू एक्स टू, थ्री इंटू माइनस फोर बिल्कुल सेम, बस बीच में माइनस हो जाएगा, टू इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस टू, और y क्या हो जाएगा थ्री इंटू फाइव माइनस टू इंटू थ्री डिवाइड बाई थ्री माइनस टू, माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई वन, और y फिफ्टीन माइनस सिक्स बाय वन, तो ये माइनस ट्वेंटी फोर, और y इक्वल टू नाइन, तो एक्सटर्नली क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर कॉमा नाइन, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो यही डिफरेंस होता है इंटरनल डिवीजन में और एक्सटर्नल डिवीजन में, जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, तो ही क्वेश्चन के समय में आपको ये ध्यान में आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगला एग्जांपल है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट माइनस वन कॉमा माइनस वन divides the line segment joining the points four comma four and seven comma seven, मतलब किस रेशियो में माइनस वन कॉमा वन जो हो, माइनस वन कॉमा माइनस वन जो होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के जो ज्वाइन करने वाला लाइन होगा उसे डिवाइड करेगा, फोर फोर सेवन सेवन, और ये थर्ड पॉइंट लिखा मैंने, सपोज माइनस वन ले लिया, अब किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो आप याद रखो वो जो किस रेशियो में डिवाइड करना होता है उसे हम लोग हमेशा के इज टू वन अज्यूम करेंगे, आप एम इज टू एन आपको अज्यूम करने का मन करेगा, तो आप ही बताओ कहीं पे m is to n है, क्या उसे मैं m by n is to 1 बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, और फिर m by n को k अज्यूम कर लेता हूं, उससे क्या होगा, अब k का वैल्यू फ्रैक्शन में अगर आएगा 2 by 3 होगा तो रेशियो 2 is to 3 हो गया, अगर 7 is to 8 आएगा तो 7 by 8 आया तो 7 is to 8 हो गया, है ना, इससे फायदा क्या हो जाता है कि दो अलग अलग वेरिएबल अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही वेरिएबल से काम हो जाता है, और अपने को वही चाहिए, एक वेरिएबल हो तो ज्यादा इजी है ना, है कि नहीं, अब ये माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इज टू सेवन प्लस वन इंटू फोर डिवाइडेड बाय के प्लस वन, और दूसरा क्या हो जाएगा, वही माइनस वन इक्वल्स टू फिर के इंटू सेवन, वही सेम ही आएगा, तो एक की ही जरूरत है, दूसरे की जरूरत नहीं है, इसको अब सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा सेवन के प्लस फोर इक्वल्स टू माइनस के माइनस वन, सो एट के इक्वल्स टू माइनस फाइव, के इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई एट, अब आप देख के डर मत जाना कि सर नेगेटिव कैसे आ गया, नेगेटिव आपका रेशियो आया, इसका मतलब हम लोगों ने जो अज्यूम किया था इंटरनल डिवीजन, तो वो इंटरनल डिवीजन नहीं है, वो कौन सा डिवीजन होने वाला है, एक्सटर्नल डिवीजन, तो जब भी नेगेटिव आया मतलब कि सीधे ही आंसर बोल सकते हैं कि मीन्स
जो हम लोगों ने अज्यूम किया था कौन सा, अब यहाँ बोल देता हूँ, चलो ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था। मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, है ना, क्योंकि नेगेटिव आ गया, तो जब भी नेगेटिव आया तो आप एक्सटर्नली बोलोगे, इन द रेशियो, रेशियो क्या रहेगा, 5:8 ही रहेगा, एक्सटर्नली 5:8, ठीक है, ऐसे सोचना है आपको। तो ये हो गया आंसर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला एग्जांपल, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6। अब एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को क्या डिवाइड करता है? अब आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट की बात होती है, मतलब कि उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होने वाला है, और वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट्स की बात होती है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होने वाला है, ठीक है, ये आप याद रखो। या तो आप यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो कि एक एक्स 2, -3 है जो इधर कहीं होगा, और एक्स 5, 6 जो इधर कहीं होगा, उसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये पॉइंट को आप क्या ले लोगे, एक्स, कुछ एक्स अज्यूम कर लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है, ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब वो जीरो होने वाला है। अब ये पॉइंट क्या था, 5, 6, और ये पॉइंट क्या है, 2, -3, किस रेशियो में, तो वापस से रेशियो क्या अज्यूम कर लो, k:1। जब भी रेशियो अज्यूम करने की बात होगी तो आप भी k:1 ही अज्यूम करना, ताकि एक ही वेरिएबल हो। अब पहला k:2 k:2 + 1:5, है ना, डिवाइडेड बाय +2k + 1 × 5 / k + 1 / k + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, ये कॉमा, ये क्या हो जाएगा दूसरा, k·3, है ना, -3k + 1 × 6 डिवाइडेड बाय k+1, ये हो जाएगा ना, 6·1 − 3 × k, ये हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया किसका, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है ऐसा। अब आप ही बोलो x इक्वल टू ये लिखने पे तो k का वैल्यू नहीं आ पाएगा ना, 0 इक्वल टू ये लेना पड़ेगा, तो -3k + 6 / k + 1 = 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो -3k + 6 = 0, सो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/1, दैट इज 2/1, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा x एक्सिस, मतलब अब यहाँ पे हम लोगों ने k:1 जो अज्यूम किया, हम लोगों ने अज्यूम किया कि 5, 6 से पॉइंट को ले लिया, बट क्वेश्चन में था, अब रेशियो तो उल्टा उल्टा होता है ना, उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना, तो ये पहले बोला था कि ये पॉइंट को ये पॉइंट से ज्वाइन करने का रेशियो, और हम लोगों ने अज्यूम कर लिया ये पॉइंट को ये पॉइंट करने का रेशियो, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, लास्ट में फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर हो जाएगा 1:2, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उल्टा अज्यूम कर लिया था, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है, तो 1:2 अपना आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है ये, डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - अब जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, वो एक लाइन का इक्वेशन माना जाता है, ठीक है, मतलब कि कभी भी एक लीनियर इक्वेशन आपको दिखे तो समझ जाओ एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो। तो यहाँ पे भाई ये डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स दिस सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 3 and 2, 7। अब देखो देखो ध्यान से ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब ए बी टू पॉइंट है, एक पॉइंट ए मैं 1, 3 ले लेता हूँ, एक पॉइंट बी मैं 2, 7 ले लेता हूँ। अब एक लाइन, वो कोई भी रैंडम सा लाइन है, वो इससे डिवाइड करता है इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ, और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x
प्लस वाई माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, ये उसका इक्वेशन है, ठीक है। तो ये लाइन इसको यहां सी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका रेशियो वापस से क्या एज्यूम करो, के इज टू वन। तो बताओ सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, के इंटू टू प्लस वन इंटू वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन, और के इंटू सेवन प्लस वन इंटू थ्री डिवाइडेड बाय के प्लस वन। सी पॉइंट का ये किधर से, सेक्शन फॉर्मूला से ये आ जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि सेक्शन बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज दिस। अब ये सी पॉइंट जो है वो इस लाइन पे है, तो एक लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं तो उस लाइन के इक्वेशन में आप उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट रखोगे तो वो उसे सेटिस्फाई करता है। ध्यान रखना इस चीज को, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसे रहता था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन, तो एक्स का वैल्यू वन रखते थे तो वाई एट आता था, एक्स का वैल्यू टू रखते थे तो वाई इक्वल टू सेवन आता था। मतलब कि अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन का ये लाइन हो गया तो वन कॉमा एट अब इसी लाइन पे होगा, टू कॉमा सेवन अब इसी लाइन पे होगा। मतलब इस लाइन पे लाइक मतलब जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स ये इक्वेशन के लाइन पे लाई करेगा, लाई करेगा मतलब उसी पर होगा। तो अब ये सी पॉइंट जो है वो उसी लाइन पे होगा, कौन सा लाइन, जो लाइन का इक्वेशन पता था हम लोगों को, मतलब उस लाइन पे होगा, मतलब कि उस लाइन के इक्वेशन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन आप लिखो थ्री और एक्स की जगह ये लिख दो, एक्स की जगह ये रखेंगे ना क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट था वो उसको सेटिस्फाई करेगा, प्लस वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे, सेवन के प्लस थ्री बाई के प्लस वन माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो एक ही वेरिएबल है के, सॉल्व करना है अपने को, आंसर मिलेगा सिक्स के प्लस थ्री प्लस सेवन के प्लस थ्री माइनस नाइन के माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। फिर क्या हो जाएगा, थर्टीन के माइनस नाइन फोर के प्लस थ्री प्लस थ्री सिक्स माइनस नाइन इक्वल्स टू के प्लस वन, तो दूसरी तरफ जीरो हो जाएगा। तो फोर के इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, थ्री लिख दूँ, तो के इक्वल्स टू क्या आ गया, थ्री बाय फोर। तो के तो रेशियो एज्यूम किया था, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड रेशियो क्या एज्यूम किया था, के इज टू वन, के क्या है थ्री बाय फोर इज टू वन, वही क्या हो गया थ्री इज टू फोर। तो अपना आंसर क्या मिल गया, थ्री इज टू फोर। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप सीख पाए, खुद से ट्राई कीजिए तो आप सीखेंगे, ठीक है। और अपने बुक से आपको क्वेश्चंस करते रहना है तो ही आप अच्छे से और सीख पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए तभी सीखेंगे, और ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे आप छोड़ना चालू कर दें, वो काम नहीं करना है अपने को, ओके। तो आज कॉमेंट बॉक्स बॉक्स के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो कॉमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सेवन, देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मतलब ए बी का साथ में क्या क्या, कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं सब आपको बताना है, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए आप लोग, थैंक यू सो मच।